वचनम पढ़ेंगे। इसके पहले आपने हिंदी में वचनम पढ़ा ही होगा और जानते भी होंगे कि वचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार हम संस्कृत में भी वचनम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं वचनम मीन्स होता क्या है। वचनम मीन्स होता है कहना या बोलना, इसे हम परिभाषित करते हैं। देखिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचनम कहते हैं। संज्ञा, संज्ञा में आप जानते होंगे कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार सर्वनाम, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उसी प्रकार संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं एवं कार्य करने वाले को क्रिया कहते हैं। तो ये सब जो लोग हैं ये संख्या का बोध कराते हैं उसे ही हम वचनम कहते हैं। अब वचनम कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में वचनम तीन प्रकार के होते हैं, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब हम एकवचनम को परिभाषित करते हैं। जिस वचन से किसी एक का बोध हो उसे एकवचनम कहते हैं। जैसे बालकः, इसमें कितने का बोध हो रहा है? एक बालक का, इसलिए एकवचनम। उसी प्रकार द्विवचनम, जिस वचन से दो का बोध हो उसे हम द्विवचनम कहते हैं। जैसे बालकौ, कितने का बोध हो रहा है? इसमें दो बालक का बोध हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? द्विवचनम कहते हैं। बहुवचनम, जिस वचन में दो से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचनम कहते हैं। बहुवचनम में आप समझ ही गए होंगे, बहुवचन मतलब बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे संख्या का बोध हो उसे हम बहुवचनम कहते हैं। जैसे बालकाः, इसमें कितने सारे बालक हैं? बहुत से बालक हैं, मतलब दो से अधिक बालक हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? बहुवचनम कहेंगे। आपने जो है इसके पहले आपने पढ़ाई होगा हिंदी में कि एकवचनम और बहुवचनम, मतलब एकवचनम में एक, बहुवचनम में बहुत सारे।